हैं गंधर्व कौन है, गंधर्व कौन है और किन्नर कौन है? किन्नर उन्हें कहा जाता है जो नाच गाना करते हैं, हैं? किम माने क्या, नर माने मनुष्य, आदमी पुरुष, जिनके लिए प्रश्न पैदा होता है, किम नर, क्या ये पुरुष है, पुरुष है या नारी है? अगर पुरुष है तो इनके बच्चे होना चाहिए ओरिजिनल, अगर ये नारी है तो बच्चे पैदा करने वाले होना चाहिए, लेकिन न तो ये पुरुष है बच्चा पैदा करने वाले, न ये नारी है बच्चा पैदा करने वाले, तो क्या है उनको क्या कहते हैं? किम नर है, वो सिर्फ नाच गाना करते हैं, बच्चे अच्छे पैदा नहीं करते। तो जो बच्चे अच्छे पैदा नहीं करते हैं अपने, वो कौन है? उनके अपने बच्चे नहीं हैं जो खास अपने बच्चे कहे जाए, हैं? कोई पुरुष है शादी कर ले, और शादी करने के बाद जिस स्त्री से शादी की उसको डाइवोर्स दे दे, हैं? जिसको डाइवोर्स दिया उस स्त्री को कोई बच्चे पैदा हुए पहले पति से, उस स्त्री को जब डाइवोर्स मिल जाता है तो अपने बच्चे लेकर के चली जाती है, छोटे छोटे बच्चे, बाप तो पालना नहीं करेगा, चली जाती है दूसरा पति कर लेती है, तो बच्चे किसके कहे जाएंगे फिर? जो पालना करता है लोग उसके बच्चे समझेंगे या पहले पति के बच्चे समझेंगे, हैं? हैं? वो पुरुष कहा जाता है जो अपनी रचना का ध्यान न रखे। पुरुष कौन है? पुरुष उसे कहते हैं जो अपनी रची हुई रचना का ध्यान रखे। तो ऐसा कौन से धर्म में होता है जहाँ ढेर की ढेर शादियां करना नहीं, उनमें ढेर की ढेर शादियां करना नहीं होता है, वो तीन या चार बस। इस्लाम क्या करते हैं जीवन में? तीन चार शादियां करते हैं, और एक ही जीवन में तीन चार पत्नियां रख सकते हैं इकट्ठी। लेकिन कौन से धर्म में ऐसा होता है जहाँ पत्नियां बदलते ही रहते हैं, डाइवोर्स देते ही रहते हैं, नई नई पत्नियां, नए नए पति बनाते रहते हैं? क्रिश्चियंस। तो ये कौन हुए? हैं? पुरुष हैं? अरे ये पक्के पक्के पुरुष हैं, हैं? नारी हैं? एक पतिव्रता नारी हैं? ना नारी है ना ना पुरुष है, नर है। तो ये तो हुए किन्नर। हमारे ब्राह्मणों की दुनिया में कोई किन्नर है? किन्नर धर्म में कन्वर्ट होंगे या नहीं होंगे? हैं? होंगे या नहीं होंगे? हैं? होंगे। तो किन्नर हुए और यक्ष गंधर्व। हाँ, यक्ष माने पावरफुल, और गंधर्व माने गंधर्व। क्या बोला? ब्रह्मा कुमारियां कब जानेंगी? ब्रह्मा कुमारियां तब जानेंगी जब ब्रह्मा जानेगा, ब्रह्मा पूरी बात जानेगा, समझेगा, सुनेगा, तो ब्रह्मा कुमारियां भी जानेंगी। जब तक ब्रह्मा नहीं समझे तो ब्रह्मा कुमारियां भी नहीं समझने वाली। और बात
अंदर उनको बात पूरे हो। हाँ, ये सात प्रकार के हैं। कोई यक्ष है, कोई गंधर्व है, कोई किन्नर है, कोई देवता है, सात महाद्वीप हैं। तो सातों महाद्वीप के सात प्रकार के ये रहने वाले हैं, सात ही नारायण, ये उनकी औलादे हैं। अलग अलग नाम दे दिए हैं, सात सागर हैं और सात बार भी है। आगे दशावतार बोलते हैं ना? हैं? दशावतार बोलते हैं। दत्ता, दत्तात्रेय, दशा, दश, दस, हाँ, दशावतार। दशावतार, दशावतार का मतलब ये है कि दस धर्मों के जो दस मुखिया हैं, वो ही दशावतार के रूप में बताए गए हैं। क्या? उनमें राम कृष्ण तो मनुष्य के अवतार हैं और बाकी सब जानवरों के अवतार हैं। उनमें जानवरियत भरी हुई है, ये मनुष्यता नहीं है। क्या? हाँ, इंसानियत नहीं है उनके अंदर। जबरन दूसरों के ऊपर आक्रमण कर देते हैं, दूसरे देशों पर आक्रमण करते हैं कि नहीं है? जानवर क्या करता है? है? जानवर यही धंधा करता है। और फिर वामन तो नारायण है ना? वामन तो है, हाँ, लेकिन आपसी है कि नहीं? और रामायण में, महाभारत में और व्यासुर संग्राम में युद्ध होगा ना? है? युद्ध होगा ना? युद्ध हुआ। ये एक ही है या अलग है? एक ही तो युद्ध है माया का। जो देहाभिमानी सांडे भक्त लोग हुए हैं, उन्होंने देहाभिमान का युद्ध दिखाई दिया, हिंसक युद्ध। वास्तव में हिंसक युद्ध की बात नहीं है। ये कौन सा युद्ध है? है अहिंसक है। हमारा युद्ध है ही काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के साथ। उसमें भी मुख्य युद्ध है काम विकार का। बार बार हमको तंग करता है कि नहीं? आक्रमण कर रहा है कि नहीं? और हम उससे लड़ाई लड़ना चाहते हैं? है? नहीं लड़ना चाहते, लेकिन वो आक्रमण करेगा तो लड़ना पड़ेगा, या हम कायर होकर के भाग जाएं? हैं? लड़ना चाहिए। और वामन अवतार ने तीन पैर पर सारी पृथ्वी को, वामन अवतार ने तीन पैर पृथ्वी का मतलब? हाँ, तीन पैर पृथ्वी का मतलब हमें थोड़ी लेटने की जगह चाहिए, हमें पांव पसारने के लिए थोड़ी जगह दे दो। वो जगह भी नहीं मिलती थी पांडवों को। उन पांडवों में मुखिया था वामन अवतार, बावन अंगल का, बहुत छोटा था, देखने में भी नहीं आता था। लोग ऐसे ही रास्ते में चले जाते थे, उस रास्ते से गुजर भी जाता था, उन्हें दिखाई नहीं पड़ता था, इतना छोटा था। उसको क्या चाहिए? हैं? तीन पैर पृथ्वी चाहिए। वो तीन पैर पृथ्वी भी कोई सदा काल के लिए नहीं देता था, अगर दे भी तो वो रह नहीं सकता था। उस तीन पैर पृथ्वी में जो कोई गारंटी दे, हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, चिंता मत करो, मकान हमारा है, हम तुम्हारी जीवन भर सुरक्षा करेंगे, कोई भी तुम्हारे ऊपर हमला नहीं कर सकता। आई प्रैक्टिकल बात है या हवा की बात है? प्रैक्टिकल बात है। जरूर वामन अवतार है, उसको तीन पैर पृथ्वी के मिलते हैं। कहीं एक जगह पांव टिका कर रह सकता है? हैं? कोई गारंटी देता है मकान देने वाला कि हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे? देता है? नहीं।
हैं? हैं? परम ब्रह्म है? परम ब्रह्म है? परम ब्रह्म कौन है? ब्रह्मा कितने हैं? मैं जिस तन में प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। तो जिनका नाम ब्रह्मा रखा, कोई में प्रैक्टिकल पार्ट बजाने के लिए, कोई में सुनाने के लिए, कोई में समझाने के लिए प्रवेश किया या नहीं, तो उनमें जो मुख्य है, पहला है वो कौन है? हैं? वो ही परम ब्रह्म है। भगवान आता है तो ज्ञान सुनाने के लिए आता है, समझाने के लिए आता है, धारण कराने के लिए आता है, या ऐसे ही आता है और चला जाता है, गाया बजाया आया राम गया राम, जैसे दूसरे धर्म पिताएं आते हैं और चले जाते हैं और दुनिया नीचे गिरती रहती है, ऐसे ही है क्या? नहीं। और पंचमुख ब्रह्म कौन कौन है? ओहो, ब्रह्मा से विष्णु बनता है कि नहीं बनता है? हैं? बोला किसने अभी? कौन प्रश्न कर रहा है? सो बोलो, सब नहीं हैं? आपने बोला कि ब्रह्मा पंचमुखी, ब्रह्मा कैसे? तो ब्रह्मा से विष्णु बनता है। विष्णु की कितनी भुजाएं? चार भुजाएं। तो वो भुजाएं चार चैतन्य हैं या जड़ है? चैतन्य है। चार भुजाएं मालूम है कौन कौन सी हैं? एक जैसी है कि अलग अलग प्रकार की हैं? कैसे? कोई राइटियस है, कोई लेफ्टिस्ट है, कोई नीचे की है, कोई ऊपर की है, हैं कि नहीं? तो चार प्रकार की भुजाएं हैं। विष्णु के चित्र के नीचे त्रिमूर्ति में लिख दिया है, क्या लिख दिया है? लक्ष्मी नारायण संगम युगी और त्रेता के राम सीता, ये चार आत्माएं हैं। चार आत्माएं कौन कौन? ब्रह्मा और सरस्वती और हैं प्रजापिता नहीं है उनमें, जगदम्बा और लक्ष्मी, ये चार आत्माएं हैं चार भुजाओं के रूप में, हैं कि नहीं? जो कमल फूल है वो किसको प्रदर्शित करता है? शंख किसको प्रदर्शित करता है? गदा किसको प्रदर्शित करता है? हाँ, कोई भी बात आती है उल्टी पलटी, हाँ बच्चे ड्रामा को गदा बना दिया, बात खत्म हो गई। शंख क्या है? वो आने मात्र से ही है ऐसा ज्ञान का शंख फूंकती है जो लड़ाई शुरू हो जाती है, महाभारत ग्रह युद्ध चालू हो जाता है। बड़े सन्यासी हैं, महाभारत युद्ध में क्या दिखाते हैं? पहले किसने शंख फूंका? भीष्म पितामह सन्यासी ने, जो बड़े थे, बड़ा सन्यासी था। चक्र किसकी यादगार है? हैं? ओम राधे मम्मा की यादगार है। कैसे? उनको चक्र क्यों दिया? हैं? उनको अपने 84 के चक्र का ज्ञान हो गया था क्या? हाँ, उन्होंने मनन चिंतन मंथन में ऐसा सहयोग दिया जिसके याद करने से सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। क्या दिया? उन्होंने बताया कि जैसे आत्माएं बिंदु 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 अणु अणि अणु रूप है, ज्योति बिंदु है, वैसे आत्माओं का बाप भी ज्योति बिंदु। ये बात कोई ने नहीं बताई। और ज्योति बिंदु को याद करने से क्या होता है? मन बुद्धि सूक्ष्म बनेगी या जड़ बनेगी?
सूक्ष्म बनती है। सूक्ष्म बुद्धि में सारा ज्ञान आ जाता है 84 जन्मों का। इसलिए वो मनन चिंतन मंथन में सुदर्शन चक्र घुमाने में नंबर 1 काम किया। इसलिए मम्मा को सुदर्शन चक्र घुमाया। ब्रह्मा बाबा को क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि ब्रह्मा के अंदर जो बोलने वाला था वो शिव था या ब्रह्मा था? शिव था। शिव बाबा ने ज्ञान सुनाया, आदि मध्य अंत का ब्रह्मा ने थोड़ा ही सुनाया। ब्रह्मा की बुद्धि ज्ञान में चलती थी। जो शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा जो बातें बोली उनका विस्तार उन्होंने किया क्या? हैं? एक एक वाक्य को लेकर के उन्होंने कभी डिटेल में भाषण दिया क्या? दिया नहीं दिया? मम्मा ने एक एक वाक्य को ले लिया। अगर सर्वव्यापी की बात है तो सारी वाणी सर्वव्यापी के ऊपर चला दी। अगर 84 लाख योनियों की बात है, 84 के चक्र की बात है तो सारी वाणी 84 के चक्र के ऊपर चला दी। तो मम्मा विस्तार में जाती थी, ब्रह्मा की बुद्धि विस्तार में नहीं जाती थी। और हाँ, अरे असली बात तो रही गई। तो 4 भुजाएं तो चैतन्य साबित हो गई, 5वां कौन? 4 मुख तो ब्रह्मा के क्लियर हो गए। प्रजापिता वो कौन सी 5वीं भुजा है क्या? हाँ, वो भुजा नहीं है। भुजाएं तो चलने वाली हैं। चलाने वाला कोई चाहिए कि नहीं चाहिए? तो उन भुजाओं को, चारों को चलाने वाला प्रजापिता दिखाया गया। इसलिए विष्णु की 4 भुजाएं और 1 चलाने वाला, टोटल 5 आत्माएं हुई। ये 5 आत्माएं जो है वो ही ब्रह्मा का रूप धारण करती हैं। उनमें सर्वोपरि कौन? सबसे ऊपर प्रजापिता। इसलिए वो ब्रह्मा नहीं है, सिर्फ परम ब्रह्म है। कहते भी हैं गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै नमः, उसको नमन। इसलिए मुरली में बोला है नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता। और हाँ, कैसे क्यों? जैसे जैसे संकल्प करोगे वैसे ही वैसे बनोगे। श्रेष्ठ संकल्प करोगे तो श्रेष्ठ बनोगे, भ्रष्ट संकल्प करोगे तो भ्रष्ट बने। श्रीमत के अनुकूल संकल्प करोगे, बाबा की श्रीमत है ना, कि शिव बाबा के साथ तुम्हारे सर्व संबंध हैं या नहीं? अरे बाबा की श्रीमत है या नहीं? सर्व संबंधों की रचना एक बाप के साथ लेनी है। तो एक समय में एक ही संबंध निभाएंगे या सारे संबंध एक साथ निभाएंगे एक ही सेकंड में? है एक संबंध की रचना एक ही समय में लेंगे। तो जिस संबंध की रचना लेने में एक्सपर्ट हो जाएंगे वो संबंध जन्म जन्मांतर सुख देता रहेगा, और जिस संबंध की रचना लेने में कोताही हो जाएगी, कमी हो जाएगी या नहीं ले पाएंगे, कारण या कारण या अपने स्वभाव संस्कार के अनुसार या देह अभिमान के कारण, तो क्या होगा? हैं? उस संबंध के लिए जन्म जन्मांतर तड़पते रहे। ये बात समझ में नहीं आती है? आ गई। संकल्प के आधार पर संसार रचा जाता है। ब्रह्मा ने संकल्पों से सृष्टि रची, तो ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण अपने संकल्पों से सृष्टि नहीं रचते, अपनी रचते हैं। और हाँ, ज्ञान कायम रहेगा, अंधेरा कायम रहेगा, ये आत्मा और आत्मा का भाव परमपिता परमात्मा शिव को पहचानने नहीं देते,
ऐसी माया का पॉम्पेड शो फैलाते हैं, ये अल्पकाल का शो है। अगर अल्पकाल का शो नहीं होता तो अटलांटिक महासागर में जो बर्मुडा ट्रायंगल है उसमें जाने से वैज्ञानिक क्यों डरते हैं, घब जाते हैं, डर जाते हैं? हाँ जी, घबराते हैं। हाँ, घबराते हैं। इस रहस्य को क्यों नहीं समझते पाते? इस रहस्य को बताने वाली शक्ति सुप्रीम सोल है, ये अदृश्य शक्ति है। इसका मतलब क्या? मैंने ये अदृश्य शक्तियाँ कौन है? ये अदृश्य शक्तियाँ वो हैं जो बर्मुडा ट्रायंगल में अकाले मौत होने के बाद अपना अड्डा जमाए हुए हैं, समझा? जैसे ब्रह्मा बाबा है, ब्रह्मा बाबा बड़ माने बड़ा, मूला माने मूल माने जड़, ट्रायंगल जो भी संसार की और धर्मों की जड़ें हैं उनमें सबसे बड़ी जड़ किसकी है? ब्रह्मा बाबा की जड़ है। तो उस ट्रायंगल का नाम क्या रख दिया? मुखिया के आधार पर उस ट्रायंगल का नाम बड़मूला ट्रायंगल रख दिया। न इब्राहिम ट्रायंगल, न बौद्ध ट्रायंगल, न क्रिश्चियन ट्रायंगल, कौन ट्रायंगल? बड़ा मूला ट्रायंगल। ये बड़ा मूल है ब्रह्मा बाबा। नहीं समझ में आया? अटलांटिक महासमुद्र, अटलांटिक माने अंधा, वो अंधा समुद्र, सारा समुद्र अंधा बनाई दिया उन आत्माओं ने। जो सागर है ज्ञान सागर का, वो जो हिस्सा है सातवां हिस्सा या कोई भी हिस्सा, उसको सारे हिस्से को अंधा बनाई दिया। उसके आसपास जो भी देश है, अटलांटिक महासागर के आसपास कोई देश है कि नहीं? कौन कौन देश है? ऑस्ट्रेलिया भी है, दक्षिण अमेरिका भी है, उत्तर अमेरिका है, कनाडा है, ग्रीनलैंड है, उधर यूरोपीय जितने भी धर्मखंड हैं वो सारे के सारे, यूएनओ, वो सारे के सारे, अफ्रीका है, ये सारे सारे विदेश हैं या नहीं है? हाँ, और ये अंधा बना रहे हैं संसार को। और बहुत पास आए हैं ना, बहुत पास आए हैं ना, अभी एडवांस पार्टी वाले मैसेज दे रहे, एक ही भाषा है ना, जो भाषा कैसे समझते हैं लोगों को, क्या कहना चाहते हैं? फ्यूचर में एडवांस पार्टी वाले मैसेज देने कैसे समझते हैं लोगों को, एक की भाषा कैसे समझते? एडवांस वालों की हिंदी भाषा है, बाकी लोगों को देने के लिए हिंदी भाषा, सभी लोगों को कैसा पता पड़ेगा? बाबा ने बोला है ना, इंटरनेशनल भाषा अंग्रेजी भी है, बाबा तो अंग्रेजी को भी प्रेफरेंस दे रहे हैं ना, एक हिंदी को थोड़े ही। हिंदी में जो बाबा वाणी बोलते हैं उसमें अंग्रेजी के शब्द आते हैं कि नहीं? आते हैं। हाँ, अंग्रेजी में संदेश दो। और अरे बोलते जाओ, नहीं तो धड़ाधड़ नहीं बोलेंगे तो क्लास बंद हो जाएगा। बाबा कोई एडवांस पार्टी आत्मा है, सच्चे में राजा बनेगा ना, एक या दो जन्म के बाद रानी बनेगी या प्रजा भी बन सकते? अरे सतयुग में 21 जन्मों तक, एक जन्म में स्त्री, एक जन्म में पुरुष, ऐसे ही चलता रहेगा। वहाँ लगातार दो जन्म नहीं होंगे स्त्री के या पुरुष के। बाकी ये जो गड़बड़ होता है वो कौन से युग से होता है? द्वापर युग से द्वैतवाद शुरू होता है। फिर कोई के दो दो जन्म स्त्री के भी हो जाते हैं, कोई के दो दो जन्म पुरुष के हो जाते हैं, बैलेंस बिगड़ जाता है। नहीं तो एक जन्म स्त्री का
और एक जन्म पुरुष का होना चाहिए। हाँ, सोने जैसी आत्माएं नहीं होती हैं सच्ची, है या नहीं? हाँ, तो एरोप्लेन में भरी जाती है कि नहीं है? अभी सोना विदेशों के पास है, हीरे जवाहरात, और ज्यादा से ज्यादा सोना विदेशों में चला गया भारत का, कि भारत में विदेशों में चला गया, फिर क्या होगा? अंत में सारा भर भर के कहाँ आ जाएगा? भारत में आ जाएगा। ऐसी ज्ञान की बाढ़ आएगी जैसी महाप्रलय में ज्ञान की वो जल की बाढ़, स्थूल जल की बाढ़ आती है सारी दुनिया में, तो सागर का जल ऐसी हिलोरे मारता है कि जो भी दबा पड़ा हुआ सोना चांदी है, हीरे जवाहरात हैं, वो सब भारत के किनारे आकर के इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसे ही स्थूल, ऐसे ही बेहद का। और सीमांचल पुण्य क्षेत्र में एक मंडूक स्तंभ है, उसको आलिंगन करते हैं लोग, बेहद का अर्थ क्या है? देखो, हिमाचल में नेपाल भी है, वो हिमाचल ही है। आंध्रा में सिंहाचल। ओहो, आंध्रा में हिमाचल नहीं है, सिंहाचल। सिंहाचलम की बात नहीं हो रही है अभी, सिंहाचलम की बात हो रही है। सिंहाचल, हाँ हाँ जी, हाँ जी, सिंहाचल पहाड़। हाँ, मंडूक स्तंभ है, वो यादगार स्तंभ है वहाँ, मंडूक वो यादगार है, वो यादगार है या सच्चाई है? यादगार है, असली जो है वो काठमांडू में है, वो भी मंडूक है, और ये भी मंडूक है। वो नेपाल का जो काठमांडू में मंदिर बना हुआ है, वो काठमांडू का मंदिर मंडूक, मंडूक माने मेढक, मंडूक माने मेढक, वो मेढक की यादगार यहाँ भी बनी हुई है सिंहाचलन में। कैसा है? सिंह अचल, अचल माने पहाड़, और शेर की तरह अटल, अखंड, अडोल है, हिलने वाला नहीं है। कौन है? इस संसार में एक ही शेर है, उन्होंने तो तीन शेर दिखा दिए ब्रह्मा के, तीन रूप, ब्रह्मा विष्णु शंकर, ब्रह्मा ही तीन रूप धारण करता है, लेकिन नहीं, वास्तव में उनमें एक शेर है, एक घोड़ा है, एक बकरी है। जो शेर है उसकी यादगार दिखाई गई है सिंहाचलम में, वो भी नेपाल का मुखिया है, हद का नेपाल नहीं, बेहद का नेपाल, जो नई दुनिया की पालना करने वाला है। और प्रजापिता और शंकर का व्यत्यास क्या क्या है? उनका पाठ अलग होगा या कंबाइंड होगा? शंकर तीन आत्माओं के मिश्रण का, मेल का नाम है शंकर, शंकर माने मिक्स, और जो प्रजापिता है वो एक आत्मा है, पतित आत्मा है, या शंकर की तरह पावन आत्मा है, है? प्रजापिता है पतित, सारी प्रजा का पिता, 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य मात्र हैं, वो किससे पैदा हुए? प्रजापिता ब्रह्मा से। तो जैसे बच्चे वैसा, वैसा बाप, बाप पतित तो बच्चे भी पतित, और शंकर पतित है क्या? शंकर तो सूक्ष्म स्टेज में रहने वाला, मनन चिंतन मंथन की ऊंची स्टेज में रहने वाला, मनन चिंतन की ऊंची स्टेज जो है वो जब मनुष्य पतित बनता है, तब मनन चिंतन मंथन की ऊंची स्टेज बनती है क्या? नहीं बनती। तो शंकर तो अलग और प्रजापिता
अलग, मुरली में ही बोल दिया, शंकर और प्रजापिता को एक नहीं कहेंगे। ये दोनों अलग अलग पार्टधारी हो गए। तीनों आत्माओं का प्रवेश है, तीनों आत्माओं का संकरण है तो शंकर, और दो आत्मा प्रवेश नहीं है, अकेला है तो पतित। पतित प्रभावित होते हैं या पावन प्रभावित होता है? पतित प्रभावित होते हैं। तो ब्रह्मा वाली सोल, बैल वाली सोल प्रजापिता को प्रभावित कर देती है। बाबा, इस तरह तो सब लोग इंग्लिश नहीं जानते हैं। बड़े हुए हो भी को भी इंग्लिश नहीं जानते, तो कैसे समझाना है? हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही समझाना है तो संदेश दे। हिंदी तो मोस्टली हिंदुस्तान के लोग जानते हैं, बहुत हिंदी जो है वो हिंदुस्तान के कोने कोने में फैल गई। अभी तमिल वाले भी थोड़ा थोड़ा हिंदी जानते हैं, जहाँ प्राइमरी स्कूल में भी हिंदी नहीं पढ़ाई जाती, हर स्टेट में हिंदी कंपलसरी, लेकिन तमिल में, तमिलनाडु में हिंदी कंपलसरी नहीं, पढ़ाई नहीं जाएगी। देखो तो भी वहाँ के लोग कुछ न कुछ हिंदी जान गए। तो हिंदी तो भगवान की भाषा है, भगवान की भाषा होने के कारण चाहे तमिलनाडु के हों, चाहे मलयालम वाले हों, सबको, चाहे असमिया हों, सबको हिंदी सीखनी ही पड़ेगी। भगवान से तो सभी को प्यार है। भगवान का पाठ जब प्रत्यक्ष होगा तो कौन हो? भगवान बाप को अपना माँ बाप, माई बाप नहीं बनाना चाहेगा। भगवान ही हमारा माई बाप है, हमारा माई बाप है, तो मातृभाषा जानेंगे या नहीं जानेंगे? ये बोलते रहेंगे, क्या करेंगे? हैं? जानेंगे। अभी अगर नहीं जान रहे हैं कारण या कारण है, तो निश्चय नहीं है। माया आज निश्चय बैठाती है और कल निश्चय उड़ाई देती है, तो कभी निश्चय कभी अनिश्चय, तो कहते हैं अरे अभी छोड़ो, जब होगा तब देखा जाएगा, तब याद कर लेंगे हिंदी भाषा को। लेकिन जब भगवान प्रत्यक्ष हो जाएगा, जो इन आंखों से देखेगा, जो इन कानों से सुनेगा भगवान के पाठ को, वो जरूर उसकी बुद्धि में क्या बैठेगा? है मेरा बाप भगवान आ गया, तो फिर हिंदी सीखेंगे। अभी तो अलबेले हो जाते हैं, सेंटर भले आंध्रा में ढेर के ढेर खोल दिए, ये खोलना तो सहज है, पैसे की बात है, द्रव्य कहते हैं इसको। क्या पैसे वाले क्या करेंगे? हैं? सेंटर खोल देंगे, क्योंकि उनके पास मकान दुकान बहुत है, प्रॉपर्टी बहुत है, सेंटर तो खोल देंगे। लेकिन गीता में बोला है द्रव्य ध्यानात ज्ञान दानम विशिष्यते, तो भगवान आकर क्या देता है? हैं? मकान दुकान दे देगा, कारखाने दे देगा, हैं? बढ़िया बढ़िया रेशमी कपड़े देगा, हैं? रोटी देगा, हैं? 36 प्रकार के भोजन आकर के ब्रह्मा कुमारियों की तरह खिलाएगा, खिलाएगा नहीं, क्या देगा? हाँ, वो ऐसा ज्ञान आकर के देता है जिस ज्ञान के एक शब्द सुनने मात्र से ही एक सेकंड में क्या हो जाएगा? जीवन मुक्ति मिल जाएगी। और बाबा पतिव्रता माने देहत का क्या है? सावित सीता सावित्री को पतिव्रता ये कहता है ना, उनका देहत का कुछ संबंध है या नहीं? सावित्री को, सती सावित्री, सती सावित्री को नामी है सावित्री, इत्र कहते हैं सुगंध वाली को, इत्री माने जो सुगंध बेचते हैं उनको क्या कहते हैं? इत्री। और सौ इत्री,
जिसके पास 100 प्रकार की सुगंध है, माना हर धर्म की आत्माओं के अच्छे अच्छे गुणों की भाषणा उससे आती है। दुनिया में ऐसा कोई गुण नहीं रहेगा जो उसमें धारण किया हुआ न हो। उसका नाम है सावित्री। कितनी इत्री? 100। 100 इत्री। तो वो सावित्री है जिसमें दिव्य गुणों का भंडार है। उन सब गुणों का भंडार का मूल क्या है? पवित्रता। पवित्रता है तो सब कुछ है, पवित्रता नहीं तो कोई गुण नहीं। रुद्रमाला के मण के क्या कहते हैं? है ज्ञान तो बहुत सुनाते हैं लेकिन फिर सबसे ज्यादा भक्ति कौन से माला ने की है? नहीं, सबसे जास्ती भक्ति हाँ रुद्रमाला के मण के जो राजाएं बनते हैं उन्होंने की है। तो बहुत भक्ति की है तो भक्त लोग क्या कहते हैं? मुझे निर्गुण आर्य में कोई गुण नहीं, हे देवताओं आप ही तरस मेरे ऊपर करो। अब ये देवता क्या तरस करेंगे? देवताएं तरस करेंगे या भगवान तरस करेगा? हैं हाँ, ब्लिसफिल तो भगवान है ना। और सती स्मृति अपना पतिव्रता महारिव को पत्नी लेप्रसी कुयों आई। सती सुमति सो माने सुंदर, मति माने बुद्धि, उनकी पत्नी पति सती सुमति जिसकी सुंदर मति होती है वो सत्य धारण करने वाली होती है। सत्य कहते हैं पवित्रता को, पवित्रता ही सत्य है। उसकी पति लेप्रसी सती सावित्री कौन है? सती कौन है? शास्त्रों में सती किसका नाम है? सती पार्वती का नाम है। उनका पति हैं? क्योंकि पुरुषार्थी जीवन है तब तक बीमारी आएगी। जो शंकर है वो ही सती सावित्री का पति है और उसको बीमारी तब तक आती है जब तक पुरुषार्थी है या संपन्न है। पुरुषार्थी है तब तक बीमारी आती है, पुरुषार्थ संपन्न होगा तो उनके चित्र बनने लगेंगे। जो चित्र बनते हैं वो संपन्नता के बनते हैं या अधूरे बनते हैं? संपन्नता के बने। और है हाँ वो भी सती है, वो उसकी भी दादी है, वो कोई दूसरा नहीं है। अत्री क्या? जिसमें तीन नहीं है, न ब्रह्मा है न विष्णु है न शंकर। वो ब्रह्मा नहीं है अत्री, वो विष्णु भी नहीं है। आ माने नहीं, त्री माने तीन देवताएं। वो ब्रह्मा है न विष्णु है न शंकर है, वो तीनों से परे क्या है? है शिव ज्योति बिंदु को तीन देवता कहेंगे? नहीं, तो वो अत्री है। अत्री की पत्नी का नाम है सती। सत्य धारण करने वाली। सत्य किसे कहा जाता है? सत्य कहा जाता है प्योरिटी को। प्योरिटी से दुनिया के सारे काम होते हैं। प्योरिटी नहीं तो दुनिया का कोई काम संपन्न नहीं होता। अलेक्जेंडर आया, सारी दुनिया को जीतते हुए आ गया, फिर भारत में आकर के जीत मिली? क्यों? क्यों भाग गया? क्योंकि जो पवित्रता रूपी सत्य है वो भारत में था। फिर अकबर आया, आया ना, पृथ्वीराज चौहान के जमाने में भी एक दुश्मन आया मोहम्मद गौरी, फिर जीत पाई? नहीं पाई। अकबर आया, महाराणा प्रताप के ऊपर जीत पाई? है नहीं पाई।
क्यों नहीं पाई है? क्योंकि जो सत्य है, सत्य की शक्ति है, वो यहाँ की माताओं में थी, उन मुसलमानों की घरवालियों में वो सत्य की शक्ति नहीं थी जो उनको जीत दिलाए। जालंधर है, कब तक जीतता रहा? भगवान भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका, कब तक जीता? जब तक ब्रह्मा उसके वो वृंदा उसके फेवर में रही। वृंदा सती स्त्री थी, वृंदा का सत्य डिगाई दिया तो जालंधर मर गया, हार गया। तो कन्याओं माताओं की जो सत्य की शक्ति है वो पुरुषों को बल देती है। और अरुंधति कौन थी? उसकी कथा कहानी तो बताओ कि नाम याद कर लिए शास्त्रों में से टीवी देख देख के, वो कुछ नहीं। एक एक नाम देखते जाओ और बाबा से प्रश्न पूछते जाओ। और भूत प्रेतों को वैज्ञानिक लोग नहीं जान सकते, हाँ? इसकी तामसी शक्ति को नहीं जान सकते, हाँ? भारतीय मनीषी, हाँ? अब भी ऐसे तांत्रिक है जो, हाँ? प्रेत आत्माओं को कंट्रोल कर लेता है, हाँ? ये मैली विद्या भारत में, हाँ? थर्ड क्लास, हाँ? मानी जाती है, हाँ? ये बहुत भूत प्रेतों को शक्ति वही वैज्ञानिकों नहीं जानते, हाँ, वो भी नहीं जानते। भारत जो है, भारतवासी ऐसे ऐसे तांत्रिक हैं जो भूत प्रेतों को कंट्रोल कर लेते हैं, शीशी में बंद कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि भारत वाले ही कन्वर्ट होकर के दूसरे धर्म में जाते हैं, इसलिए भारत में उन कन्वर्ट होने वालों के पास वो मैली विद्या है। जो कन्वर्ट नहीं होते हैं, भूत प्रेत नहीं बनते हैं स्वयं, वो तांत्रिक भी नहीं बनते। तांत्रिक कौन बनते हैं? जो भूत प्रेतों का संग करेंगे तो क्या करेंगे, बनेंगे हैं? भूत प्रेत बनते हैं। गीता में भी लिखा गया है भूत प्रेतों की पूजा करने वाले भूतों को से प्राप्त करते हैं अल्पकाल की प्राप्ति, देवताओं को पूजने वाले देवताओं से प्राप्ति करते हैं सतयुग त्रेता में, और जो मेरे को पूजन करते हैं वो सिर्फ सतयुग त्रेता में ही प्राप्ति नहीं करते, द्वापर कलयुग में भी उनकी प्राप्ति लंबी चौड़ी है। तो ये थर्ड क्लास विद्या है जो कन्वर्ट होने वाले भारतीयों को प्राप्त होती है, हिंदुओं को प्राप्त होती है। और भद्र माने कल्याणकारी, अचल माने पाल। भद्राचलम में किसका मंदिर है? एक आदमी बोलो। राम का मंदिर। राम का मंदिर है। तो कल्याण कौन करता है? जब आदमी मरता है तो किसका नाम लेते हैं? राम नाम। ये परंपरा क्यों चली? हाँ, संगम युग में जब सारी दुनिया का मरने का समय आता है तो सबके मुख से कौन किसका नाम निकलता है? हैं? सब राम के भक्त बन जाते हैं, सबकी बुद्धि में वो एक राम बैठ जाता है, सबका सदगति दाता राम। झाड़ के चित्र में ऊपर कौन बैठा हुआ है? हैं? शंकर बैठा हुआ है। किसकी आत्मा है? राम वाली आत्मा है। बाबा मरने के समय में नारायण नारायण भी करता है। हैं? मरने के समय में, हाँ, नारायण नारायण भी करता है। आज की दुनिया में किसी ने सुना कि शास्त्रों की बात सुन ली? आज की दुनिया में किसी ने जब मैयत ले जाते हैं, मुर्दे को ले जाते हैं, तो नारायण नाम सत्य ऐसे कहीं सुना नहीं, नहीं? ये शास्त्रों की बात उठा रहे हैं। नहीं भाई, का नहीं,
मरने के समय नारायण नारायण कहते हैं ना, मरने का आत्मा शरीर छोड़ता है, नहीं 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 नहीं, नारायण क्या उद्धार करेगा, उसका तो खुद उद्धार हुआ पड़ा है। जो उद्धार वो करेगा, जो पुरुषार्थ करने वाला है वो उद्धार करेगा, या जो जिसका पुरुषार्थ संपन्न हो गया है वो उद्धार करेगा। कौन करेगा? जो पुरुषार्थी है वो ही सेवा करेगा। और स्मशान को लेते समय में उसके पीछे लोग आते हैं ना, वो नारायण नारायण कहकर के लेते हैं स्मशान को। नारायण नहीं, राम कहते हैं। राम नाम सत्य है, झूठ क्यों बोलते हो? वो शास्त्रों की बात है। हाँ, और इधर के इधर दक्षिण भारत में काल है, दक्षिण भारत में काल में नारायण नारायण बोलते हैं। इधर के रिवाज में काल में बोलते हैं नारायण नारायण। मरते समय माने मर चुका है तब, या मरने से पहले? तो वो तो बाबा भी अभी बोल रहे हैं, सबसे अच्छा पुरुषार्थ है तुम्हारे कान में क्या कहते हैं, सबसे अच्छा पुरुषार्थ है नारायण को याद करना। ऐसे नहीं मरने के बाद कान में फूंकते हैं। मरने के बाद कान में कोई सुनेगा क्या? कुछ नहीं सुनेगा। और बाबा दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला माने भारत का बैहत कर दिया है। नेल्सन मंडेला माने भारत का, दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला है, नेल्सन मंडेला ए लीडर, लीडर है नेल्सन मंडेला। उसने क्या किया? कौन है वो निग्रो? उसने क्या किया? तुम्हारा कौन है वो दक्षिण भारत वाले, तुम जानो उसका हिस्ट्री बताओ तो हम भी बताएं कुछ। है क्या किया? शांति स्थापन किया था। शांति स्थापन हो गई, शांति धाम दुनिया बन गई? नहीं। झूठ क्यों बोलते हो? सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गति पाई। जिसने जो कुछ कह दिया बस वही सत्य वचन महाराज। और हाँ है रामायण में रोहित धोबी, रोहित 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 धोबी मैंने सीता को ग्लानी करना। हाँ हाँ, रामायण में धोबी का पार्ट उनका है जो कपड़े धोना शुरू कर देते हैं, शंकर को फॉलो करना शुरू करते हैं। क्या कहा? जो शंकर को फॉलो करते हैं, शंकर विष पीता है ना, सारी दुनिया का क्या पी जाता है? विष पी जाता है, आमरा छोड़ देता है। तो ऐसे शंकर को जो फॉलो करना शुरू कर देते हैं, हम भी शंकर बनेंगे, हम भी भगवान, हमारे में भी शिव बाबा आता है। तो वो ग्लानी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? महिमा करेंगे हैं? हाँ, ग्लानी करते हैं धोबी की तरह। तो धोबी दिखा दिया है उनको रामायण, सीता की ग्लानी करते हैं। सीता ने बहुत खसम किए। और यक्ष प्रश्न कहते हैं ना, यक्ष प्रश्न कहते हैं ना, हाँ पांडवों में चारों को मूर्छित कर दिया यक्ष ने, फिर आखिरी में धर्मराज समाधान दिया तो इनको भी मूर्छा से विमुक्त हुई। यक्ष यक्ष कौन? यक्ष प्रश्न का धर्मराज को कहा या मूर्छा हुई? नहीं मूर्छा, वो तो समाधान दिया। समाधान वो ही कर सकेगा जो सच्चा होगा, जो झूठा होगा वो समाधान करेगा, या जो सच्चा होगा वो समाधान करेगा। जो धर्म के रास्ते पर है, तन से मन से धन से धर्म के रास्ते पर है, वो हर बात का समाधान करेगा। तो युधिष्ठिर ने समाधान किया। बाकी जो चार पांडव हैं, कोई क्षत्रिय धर्म से कनेक्टेड है भीम, कोई बौद्ध धर्म से कनेक्टेड है बुद्धिमान, बुद्धि का पार्ट बजाया बड़ी बुद्धि वाला, जिसके बड़े बड़े चित्र बनाए जाते हैं महात्मा बुद्ध के, कोई
संन्यास से कनेक्टेड है, ये भारतीय धर्म है। पांडवों के जो रूप दिखाए गए हैं वो प्रतिनिधि के रूप दिखाए गए हैं, एक पांडव की बात नहीं है। युधिष्ठिर जैसी अनेक आत्माएं हैं, भीम जैसी अनेक आत्माएं हैं, अर्जुन जैसी पार्ट बजाने वाला कोई एक है क्या? हैं? जो पुरुषार्थ अच्छे पुरुषार्थ का अर्जन करते हैं वो ही अर्जुन है, जिनके द्वारा शिव बाबा बड़ी बड़ी सर्विसेज करवाता है। शिव बाबा बच्चों में प्रवेश करके सर्विस करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ करते हैं। तो वो अर्जुन हुए या नहीं हुए? अर्जुन हुए। ऐसे ही नकुल, ऐसे ही सहदेव। और प्रश्न एक्ष कौन है? अरे युधिष्ठिर सूर्यवंशी असल। वो समाधान दे दिया। हाँ समाधान दिया। प्रश्न पूछने वाला यक्ष। वो कौन? वो दूसरे धर्म वाले सब प्रश्न ही तो पूछ रहे हैं। बुद्धि में किसके आता है प्रश्न पूछना? जो असल सूर्यवंशी हैं उनकी बुद्धि में तो कोई प्रश्न आता ही नहीं। वो तो कहते हैं जो बोले सो निहाल। उन्हें तो पक्का निश्चय हुआ पड़ा है, पक्का निश्चय जिनको बैठ जाता है उनकी बुद्धि में कोई प्रश्न ही नहीं आता। प्रश्न किनको आता है? जो दूसरे धर्म में जिनकी आत्मा कन्वर्ट हो गई थी, दूसरे धर्मों की बातों को उन्होंने मान लिया था, वो बातों का समाधान करने के लिए यहाँ संगम युग में पूछते हैं। प्रश्न उनको जरूर पैदा होंगे जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होते हैं, बहुत प्रश्न करते हैं, लंबडोर लगी जाती है प्रश्नों की। एक समझाओ तो दूसरा, दूसरा समझाओ तो तीसरा। बाबा ने मुरली में अव्यक्तवाणी में बोला ये रावण के सिर हैं। क्या क्या प्रश्न जो निकलते हैं ये रावण के सिर हैं, माने दूसरे धर्म में कन्वर्ट हुई आत्माएं हैं, जो अपने पूर्व जन्मों में जब कन्वर्ट हुई थी तो प्रश्नों का समाधान नहीं मिला हिंदुओं से, भारतवासियों से। भगवान के सिवाय समाधान कौन देगा? जब समाधान नहीं मिला तो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए। तो अभी समाधान मिलता है इसलिए प्रश्न पूछते हैं, उनको प्रश्न पैदा होते हैं, प्रसन्न चित्त नहीं रहते। जो असल सूर्यवंशी होंगे वो प्रसन्न चित्त रहेंगे या उनको प्रश्न पैदा होंगे? प्रसन्न चित्त रहेंगे। और तब तक प्रश्न पूछते रहेंगे जब तक बाप प्रत्यक्ष नहीं होता है। जो चारों तरफ अखबारों से, टेलीविजन से, इंटरनेट से, रेडियो से, चारों ओर आवाज निकलने लगेगी, शंकुधन निकलने लगेगी कि शिव बाबा आ गया, भगवान आ गया, तो चुप हो जाएंगे। उससे पहले चुप होने वाले नहीं है। वो राम वाली आत्मा से लड़ाई लड़ते रहेंगे। रावण कब तक युद्ध करता है? जब तक पूरा ही खलास न हो जाए तब तक प्रश्नों की बौछार करता ही रहेगा। और मन बुद्धि रूपी शक्ति का मतलब है आत्मा है? आत्मा में थर्ड शक्ति है संस्कार है? संस्कार इज अलग है। मन और बुद्धि रूपी आत्मा में जो पूर्व जन्म के अनुभव भरे हुए हैं, पूर्व जन्म के अच्छे बुरे संस्कार भरे हुए हैं, कोई के अंदर दान धर्म के संस्कार हैं, कोई के अंदर चोरी के संस्कार हैं, कोई के अंदर दोनों प्रकार के संस्कार हैं, वो पूर्व जन्म के संस्कार और इस जन्म के भी संस्कार अच्छे और बुरे, वो सब मिलकर के संस्कार शक्ति बनती है। इनका संस्करण किया जा सकता है, माने परिवर्तन भी किया जा सकता है, लेकिन मन और बुद्धि परिवर्तन स्वयं नहीं कर सकती, उसके लिए संस्कार शक्ति, परिवर्तन शक्ति विष्णु चाहिए, वैष्णो देवी। वो निकलेगी तो प्रैक्टिकल में संस्कारों का परिवर्तन कराए देगी। और हाँ जी
राजम गीता पाठशाला से प्रश्न आया, तीन पैर पृथ्वी के बारे में बाबा ने वार्ता में कहा, वो बात बैठने के लिए या सोने या घूमने के बारे में कहा गया है, किस बारे में कहा गया है? सभी के लिए, परमानेंट रहने के लिए बोला। तीन पैर पृथ्वी किस लिए चाहिए होती है? अरे आदमी तीन पैर पृथ्वी किस लिए चाहता है? रहने के लिए चाहता है। उस रहने में घूमना भी आ जाता है, सोना भी आ जाता है, खाना भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। फ्री होकर के घूमना फिरना खाना पीना सब कुछ आता है, ज्ञान देना ज्ञान लेना आता है या नहीं आता है? कोई कहे अरे कंपिला मिला तो था, बरसों साल बरसों रहे। अरे कोई पांडवों की प्रत्यक्षता की बात है क्या? है पांडव गुप्त होके घूमते हैं उनको पांडव कहा जाता है, कि एक जगह बैठ जाते हैं उनको पांडव कहा जाता है? है जो गुप्त होकर के घूमते हैं उनको पांडव कहा जाता है। तो जब घूमना शुरू किया उस समय कंपिला जैसी भूमि सुरक्षित रही या नहीं रही? है सुरक्षित रही। अच्छा वहीं बैठ जाए तो सुरक्षा हो जाएगी? अरे हो जाएगी नहीं होगी। जैसे पहले हमला हुआ किसका? दुश्मनों का। ऐसे फिर हमला हो जाएगा। और रामायण महाभारत महाभागवत माने बेहद का पूरा अर्थ क्या है? रामायण को तो बाबा ने उपन्यास बता दिया, इसमें बहुत सी बातों का कोई तालमेल ही नहीं है। बाकी गीता, गीता का कनेक्शन है भागवत से और भागवत का कनेक्शन है महाभारत युद्ध से, और महाभारत गेट वे टू हेवन इज महाभारत। महाभारत युद्ध होता है तो स्वर्ग के गेट खुल जाते हैं। माना गीता ज्ञान जब सुनाया जाता है तो गीता ज्ञान सुन सुन करके गोपियां भागती हैं, मुरली सुन सुन करके भागती हैं, तो भागवत नाम पड़ गया। गीता ज्ञान सुन करके भागी या पहले ही भागी? गीता ज्ञान सुन करके भागी। तो गीता का कनेक्शन है भागने वाली भागवत से। अभी गीता ज्ञान भी चल रहा है और धीरे धीरे भागना भी चल रहा है, लेकिन भागना जो है वो ब्राह्मणों की दुनिया में बाहरी परकोटे से हो रहा है या अंदरूनी परकोटे से हो रहा है? जो ब्राह्मणों का किला है वो किले में नौ प्रकार के ब्राह्मण हैं, नौ कुरियों के। उस नौ कुरियों वाले ब्राह्मणों के किले में जो सारी दुनिया में फैला हुआ है उसमें से बाहर वाले भाग रहे हैं या अंदर वाले सरेंडर हैंड्स भाग रहे हैं? बाहर वाले भाग रहे हैं, वो कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। जब अंदर वाले भागेंगे तो फिर कान खड़े हो जाएंगे। और जोर से गुस्सा आएगा। गुस्सा कब आता है? गुस्सा आता है कामेश क्रोधेश, जिनके ऊपर उनकी काम विकार की दृष्टि रहती है। वो काम विकार की दृष्टि वाला जब तबक्का भागता है उनकी मुट्ठी में से निकलता है तो क्रोध आएगा कि नहीं आएगा? है कामेशु क्रोधेश, जोर से क्रोध आता है और मनमाने तरीके से उल्टे पलटे कर्म करने लग पड़ते हैं। जायज है नाजायज है, कानूनी है गैर कानूनी है,
वो नहीं देखते। गैर कानूनी काम करेंगे, नाजायज काम करेंगे तो फिर पकड़ में आएंगे या नहीं आएंगे? है, पकड़ में आ जाएंगे। तो उसे महाभारत युद्ध कह गया। महाभारत युद्ध हो जाता है,